पहले हम ठीक होंगे तब हम दुनिया को ठीक कर सकते हैं। हम ही ठीक नहीं हैं, हम पीते हैं, तो चाहे हम इनको और उनको कहें कि छोड़ दो। मुख्यमंत्री जी नहीं पीते हैं, खुलेआम है कि गंजा पी कर जाते हैं सब, तो नशा नहीं, उस पर भी प्रतिबंध है, क्यों नहीं उसको रोकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज PR और मैं हूँ आपके साथ रमन राय। बिहार में शराबबंदी को लेकर सियासत तेज है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी पर प्रहार करते हुए जिस तरीके से नशा मुक्ति दिवस मनाया और उसके साथ ही साथ बिहार में जो शराबबंदी कानून है, कई सारे क्रिटिसिज्म हो रहे थे कि शराबबंदी कानून को बिहार से रद्द कर देना चाहिए, जिस पर उन्होंने साफ कर दिया कि शराबबंदी कानून बिहार में बिल्कुल ही खत्म नहीं होगा, इसे और कठोर किया जाएगा। लेकिन इस पर एक बड़ा हमला अब राजद के विधायक ने किया है, राजवंशी महतो, जो कि बेगूसराय के चिड़िया बरियारपुर विधानसभा सीट से RJD के विधायक है। कल उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिससे कि बिहार की सियासत फिर से एक बार गर्मा गई है। सीधे तौर पे उन्होंने नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि नीतीश कुमार जो है वो कहीं ना कहीं गांजे का सेवन खुलेआम करते हैं। और उनके इस बयान को भी आप सुनिए जिसमें उन्होंने साफ तौर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम लेते हुए उन पर ये आरोप लगाया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जब शराबबंदी को इन्होंने बैन किया है, प्रतिबंध किया है, तो गांजा पहले से ही प्रतिबंध है, आखिर इसका सेवन किस तरीके से वो कर रहे हैं। क्या कुछ कहा है विधायक ने RJD के, सुनिए आप। पहले हम ठीक होंगे तब हम दुनिया को ठीक कर सकते हैं। हम ही ठीक नहीं हैं, हम पीते हैं, तो चाहे हम इनको और उनको कहें कि छोड़ दो। मुख्यमंत्री जी नहीं पीते हैं, खुलेआम है कि गांजा पी कर जाते हैं सब, तो नशा नहीं है, उस पर भी प्रतिबंध है, क्यों नहीं उसको रोकते हैं। तो आपने सुना, साफ तौर से RJD के विधायक राजवंशी महतो ने गंभीर आरोप लगाए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। और अब देखना है कि कल से बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो है वो उसकी शुरुआत हो रही है। ऐसे में जो है सत्र काफ़ी गर्म होने वाला है, जिस तरीके से इस तरह के बयानबाजी जो तेज है विपक्ष की तरफ से सरकार पर और सरकार की तरफ से विपक्ष पे, तो ऐसे में देखना है कि कल सदन में इस बात को लेकर क्या गर्मा गर्मी देखने को मिलती है। हालांकि RJD विधायक के तरफ से इसके बाद से कोई बयान नहीं आया है, JDU के किसी मंत्री का या फिर विधायक का भी इस पर कोई काउंटर नहीं आया है। कोशिश करेंगे हम कि इसका जवाब लें, लेकिन फिलहाल के लिए आप देखते रहें न्यूज़ PR।